फिर लड़ दे करा चार सूत्री मांग है और ये चार सूत्री मांगों पे सीसीएल प्रबंधन या सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो ठीक है, और नहीं मांगती है तो ये आंदोलन को और उग्र करेंगे और जितना दिन तक चले आंदोलन करते रहेंगे हम। इसके लिए हम पूरे विस्थापित प्रभावित ग्रामीण मजदूर सब एकजुट हैं और कटिबद्ध हैं, इसका हम लोग पालन करेंगे सोशल डिस्टेंस में रहते हुए। चार सूत्री मांगों में पहला मांग है विस्थापित प्रभावित बेरोजगार ग्रामीण मजदूर से वाहन लोडिंग किया जाए। दूसरा है कर्मजुरुआ जमीन को यथाशीघ्र भौतिक सत्यापन कराकर नौकरी एवं मुआवजा दोनों दिया जाए। तीसरा है मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य शिक्षा पानी बिजली और उसी के अंतर्गत जो भूमि में फोरेच लगा करके रखा है वो फोरेच को हटा करके और उस पर भी नौकरी दिया जाए। चौथा मांग है हम लोग को जो यहाँ के मजदूर हैं टोटल जो गैरमजुरुआ जमीन या रैती जमीन पे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 लगा है उसको या तो अविलंब हटा दे या तो उस पर यथासंभव यथाशीघ्र नौकरी एवं मुआवजा दोनों दिया जाए, क्योंकि लड़की की शादी रोग बीमारी ये सब होती तो जमीन हम लोग सेल नहीं कर सकते। आप पेपर में देख सकते हैं LRDC से CO तक टोटल यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर तक धोरधोरवा नदी तक सेक्शन 9 और 11 लगा दिया। सर CCL ठगी का काम कर रही है, यहाँ तो प्रूफ सीधा, फिर हम लंबी थोड़ा बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो फाइल दिया था नियुक्ति पत्र दिया उस पर पहल नहीं किया गया तो वो क्या बोलेगी CCL? जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।